देर रात हमास ने दो इजरायली बंधकों को किया रिहा। राफा क्रॉसिंग पर इजरायली टीम को सौंपा। अमेरिका की पहल पर कतर कर रहा है मध्यस्थता। अभी भी हमास की कैद में करीब 220 नागरिक। सीरिया में तीन अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला। ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप ने किया अटैक। इसराइल ने कहा हमास हिजबुल्ला समेत सभी दुश्मनों के खात्मे का फाइनल प्लान तैयार। इसराइल के समर्थन में एकजुट हुए पश्चिमी देश आज तेल अवीव आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों तो बाइडन ने कहा सभी बंधकों की रिहाई के बिना युद्ध विराम संभव नहीं। हमास पर हमले रहेंगे जारी। विश्व कप में लगातार तीसरा मैच हारी बाबर की टीम। पाकिस्तान को 8 विकेट से मात देकर अफगानिस्तान ने किया बड़ा उलटफेर। राशिद खान बोले हमारे लिए वर्ल्ड कप जीतने जैसा। आज देश भर में विजयादशमी की धूम। दिल्ली में द्वारका के दशहरा समारोह में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। तो चीन बॉर्डर के पास तवांग में सैनिकों के साथ दशहरा मनाएंगे राजनाथ सिंह। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में टीवी 9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आज अंतिम दिन। कल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अनुप्रिया पटेल समेत कई दिग्गज हुए शामिल। महानवमी पर दुर्गा पंडाल में महिलाओं ने किया धोनुची डांस।